अस्सलाम वालेकुम बेटा, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टाइम ऑफ असेंडिंग फॉर एन ऑब्लिक प्रोजेक्ट है। हमने एक टॉपिक पहले डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल्स जो होंगे वो दो काइंड्स के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसमें तीसरा भी होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ओवर एन इंक्लाइन प्लेन। तो अभी हम यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का जो टाइम पीरियड है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है जो हम ग्राउंड लेवल से थ्रो करेंगे किसी वेलोसिटी वी नॉट के साथ और किसी एंगल थीटा पर, तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से फ्लाइट करता इस यहां तक पहुंच रहा है, तो यहां इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो इसको टाइम रिक्वायर्ड है, दरकार है, उस टाइम को मालूम करने के लिए हम एक इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल यहां से हम हॉरिजॉन्टल अगर थ्रो करें तो वो तो ग्राउंड लेवल पर ही मूव करेगा, वन डायमेंशनल होगा, लेकिन अगर कोई पार्टिकल हम इस एंगल पर थ्रो करने जा रहे हैं तो जितनी एंगल ज्यादा होगी वो पार्टिकल उतना ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और उसका जो टाइम है, टाइम इलेप्स्ड टू मूव अपवर्ड एंड अगेन डाउनवर्ड, वो इलांग हो जाएगा। मतलब जो पार्टिकल है ये ऊपर जाने के लिए जो टाइम लेगा वो दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आप इस पार्टिकल को किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और दूसरा किस एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहां पर एंगल जीरो से लेकर 90 तक हम कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर जीरो की डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप तो पार्टिकल वन डायमेंशनल है, अगर थोड़ी सी एंगल बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट रीचिंग है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इसका मकसद है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और थीटा, एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी ऑफ द प्लेस। अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थ पर कंसीडर कर रहे हैं तो अर्थ पर जी का जो वैल्यू है वो 9.8 है, मून पर चले जाएं तो वहां पर 1.63 है, इसी तरह से जुपिटर पर हमारे पास 2.75 आ रहा है। तो हर जगह पर जी का जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ है, तो इसकी वजह से उसके हिसाब से भी टाइम का वैल्यू चेंज होता है। हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसका नेम हमने रखा है टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अगर कोई पार्टिकल यहां से थ्रो करते हैं, यहां पर पहुंच रहा है, तो ये पार्टिकल ऊपर जाते हुए अपनी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी चेंज करता हुआ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट रखी है, ये पार्टिकल अगर हम वेलोसिटी इसकी रिजोल्व कर ले तो यहां पर इसकी आ जाती है वी नॉट एक्स और यहां पर वी नॉट वाई। लेकिन जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसकी जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है वो सेम ही रहेगी, अनअफेक्टेड। वो इस वजह से क्योंकि हमने एक अजम्पशन पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस में या एयर रेजिस्टेंस वो जीरो है, अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो है तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, कोई उसमें वेरिएशन नहीं आती। लेकिन वाई एक्सिस में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी नेगेटिव, तो उस वजह से यहां पर इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है y एक्सिस में, लेकिन यहां पर vy का जो वैल्यू है वो कम है, vx का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी के बराबर लेकिन vy का वैल्यू कम हो रहा है। अच्छा, यहां पर जो इसकी vx है वो जितनी इनिशियल होगी फाइनल भी उतनी होगी, लेकिन vy का जो वैल्यू है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। यहां पर इसकी जो vx का वैल्यू है, vx का वैल्यू वही ये है, लेकिन यहां पर vy का वैल्यू कम। यहां पर अगर हम देखना चाह रहे हैं तो अगेन वी एक्स का वैल्यू सेम होगा, वी वाई का वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है वो सिर्फ मिलेगी, लेकिन वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो हम जीरो के बराबर लेंगे। ये
इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी हो तो पार्टिकल स्टिल ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन यहां पर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, पार्टिकल यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मकसद है यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जीरो हो चुकी है। अब अगर यहां तक पहुंचने के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है तो इसको हम फोकस में ले रहे हैं। कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v नॉट एट मैक्सिमम हाइट, द फाइनल वेलोसिटी इन y एक्सिस इज जीरो। जैसे मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की कि vy का जो वैल्यू है इस पॉइंट पर जीरो होगा। तो हमने पहले इक्वेशंस का एक मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि जो vy का जो वैल्यू है वो v नॉट बाय माइनस gt के बराबर होता है। अब vy का वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर क्या ले रहे हैं हम, जीरो। इसका मकसद है हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, v नॉट बाय माइनस gt इज इक्वल टू जीरो। ये gt का जो वैल्यू है इस तरफ शिफ्ट कर ले तो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा वैल्यू, v नॉट बाय इज इक्वल टू gt। इसमें अगर हम t का वैल्यू मालूम करना चाहें तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, इसका जवाब आ जाएगा v नॉट बाय अपॉन g या v नॉट साइन थीटा अपॉन g। ये हमारे पास टाइम ऑफ असेंडिंग आ रहा है। यहां पर आप देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो डिपेंडेंस आ रही है वो क्या है, ये जो टाइम है हमारे पास टाइम ऑफ असेंडिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। इसका मकसद है कि टाइम पीरियड is larger for larger angles and smaller for smaller angles, v not पर भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, g के साथ इनवर्सली है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पर टाइम ऑफ असेंडिंग डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड कर लेंगे।